दोस्तों, आप सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा कि भाई आपके कुछ कमेंट्स की समस्याओं को देखते हुए और वर्तमान समय की लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने ये महसूस किया कि भाई जब आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको यदि मैं इस विपरीत परिस्थिति में आपके काम नहीं आऊँगा तो दोस्तों कौन आएगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ मेरे हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल नंबर है। आपको बेरोजगार भत्ते की कोई भी समस्या हो साथियों तो आप निसंकोच होकर संपर्क करना, आपकी जो भी समस्या होगी उसकी हमें पूरी पूरी आपकी सहायता करेंगे और उसका निदान करने में हमें कामयाब होंगे। दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब साथियों मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था और आपका इतना प्यार रहा तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि भाई मैं भी आपकी कुछ ना कुछ सहायता करूं। दोस्तों देखो ऐसा है, मैं एक ही बात कहता हूं कि जो अध्यापक होता है वो सिर्फ आपको एक सड़क से दूसरे सड़क पार करवा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको समुद्र को तो आपको खुद ही तैरकर पार करना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपको जो समस्या है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस समस्या का समाधान मैं आपको बताऊंगा और जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना करूंगा, लेकिन क्या है कर्म आपको खुद को ही करने पड़ेंगे साथियों, ठीक है ना। इतना है, आपकी समस्या का 101% समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर है और एक कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप संपर्क कर लेना, ठीक है। ये 24 घंटे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। क्योंकि साथियों मैंने देखे आपके जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो साथियों कॉमेंट्स के आधार पर सभी का जवाब नहीं दिया जा सकता, तो मैंने ये नंबर उपलब्ध करवा दी हैं। और कुछ मैं उन यूट्यूब चैनल वालों से कहूँगा कि साथियों आप भी अपने नंबर हैं वो व्हाट्सएप नंबर हो या कुछ भी आपके नंबर देने का प्रयास करें ताकि जो समस्याएं हैं सभी की निदान हो सके। दोस्तों मैंने कुछ यूट्यूबरों से संपर्क किया कि उन्होंने जो नंबर दे रखे थे साथियों उनके नंबर हैं वो लंबे समय से क्या हैं बिल्कुल स्विच ऑफ बता रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों से कहूँगा कि आपके चैनल पर कोई विश्वास करता है तो कम से कम आप उनको अपना नंबर है वो सही नंबर दें ताकि इस राजस्थान की जो जनसंख्या है जो बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं वो सभी आपसे तो संपर्क तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपके सब्सक्राइबर हैं कम से कम वो तो आपसे संपर्क करें और उनकी कुछ छोटी मोटी समस्या है उनका समाधान हो सके। दोस्तों मैंने आपकी भावनाओं को समझा और मुझे महसूस हुआ कि देखो इस समय आपकी सहायता करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इन नंबरों पे आप संपर्क कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम इसी प्रकार आपकी सहायता करते रहें। और दोस्तों मैं आज विश्वास दिलाता हूँ कि ये नंबर आपके लिए बिल्कुल खुले रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।